गीता में एक श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। इस श्लोक का मतलब है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ही नहीं कह रहे, अर्जुन के जरिए पूरी सृष्टि को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब जब पृथ्वी के ऊपर धर्म को कुचला जाएगा और जब जब अधर्म बहुत ज्यादा हो जाएगा, तब तब मैं उत्पन्न होऊंगा। ये कुछ उसी तरह की परिस्थिति है, चारों तरफ अधर्म का बोलबाला है, चारों तरफ इतना अधर्म हो गया है, इतना अधर्म हो गया है, चारों तरफ इतना अधर्म का बोलबाला है कि लोगों को लगने लगा है, आपस में चर्चा करने लगे हैं कि यार अब ईमानदारी से कोई फायदा नहीं है। खुलेआम एमएलए को खरीदा जा रहा है, हमारे एमएलए को 25-25 करोड़ रुपए ऑफर किए गए, एमएलए को खरीद खरीद के खुलेआम सरकारें गिराई जा रही है। आज हमारे किसान दिल्ली आना चाह रहे हैं, बताओ क्या कसूर है जी, दिल्ली तो कोई भी आ सकता है, दिल्ली तो देश की राजधानी है। किसानों को नहीं आने देते ना उनकी फसलों का दाम, वो क्या मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम जो फसल पैदा करते हैं हमें अपनी फसलों का पूरा दाम मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। फसलों का दाम भी नहीं देंगे, प्रोटेस्ट भी नहीं करने देंगे। आज इस देश का युवा बेरोजगार है, उसको नौकरी देने के इनके पास कुछ नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रहा। व्यापारी बुरे हाल है, महिलाएं, उनका घर का खर्चा नहीं चल रहा, महंगाई इन लोगों ने इतनी ज्यादा कर दी, और एक गरीब दिल्ली के अंदर हम देख रहे हैं कि झुग्गियां एक के बाद एक झुग्गियां तोड़ी जा रही है। चारों तरफ इतना ज्यादा अधर्म हो गया कि अब भगवान ने तय किया कि मुझे अवतार लेना पड़ेगा, समय आ गया है जब मुझे उत्पन्न होना पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों की घटनाएं ये दिखाती हैं कि भगवान ने सीधे तौर पे हस्तक्षेप करने की और उत्पन्न होने का निर्णय ले लिया। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ, सुबह वोटिंग पड़ी, वोटिंग पढ़ने के बाद एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह, इन्हीं का आदमी था, अनिल मसीह तो मौरा है, पीछे तो वो है। उस दिन इन लोगों ने तय किया कि आज उस हॉल के अंदर द्रौपदी का चीरहरण करेंगे। उन लोगों ने, इन कौरवों ने तय किया कि आज हम जनतंत्र का, भारतीय जनतंत्र का चीरहरण करेंगे, पूरी प्लानिंग करके आए थे। अब वहां पे श्री कृष्ण जी पहुंच गए द्रौपदी का चीरहरण रोकने के लिए, उस कमरे में दिखाई नहीं दिए किसी को, दृश्य थे लेकिन थे वहां पे। आप लोगों ने अगर वीडियो में देखा हो, वीडियो में वहां जितने बीजेपी वाले मौजूद थे सारे कह रहे हैं कैमरे ऑफ करो, कैमरे देखे आपने वीडियो, सारे चिल्ला रहे हैं कैमरे ऑफ करो, कैमरे ऑफ करो, कैमरे ऑफ क्यों नहीं हुए? श्री कृष्ण जी वहां मौजूद थे, उन्होंने कैमरे ऑफ, इन्होंने पूरी कोशिश करी, इन्होंने पूरी कोशिश करी कैमरे ऑफ करने की, उस दिन कैमरे ऑफ नहीं हुए। ये कोई संयोग नहीं है, ये ऊपर वाले का इशारा है, ऊपर वाले का। लेकिन जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर घटा उससे कुछ ज्यादा ही बड़ा था, ऐसे लगा जैसे उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कहीं ना कहीं श्री कृष्ण मौजूद थे, ऐसे लगा जैसे वहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी भगवान मौजूद थे। आज पूरे देश के सामने भगवान ने बेनकाब करके एक साफ साफ मैसेज दे दिया, भगवान ने, बीजेपी चुनाव जीतती नहीं है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है। जिन लोगों को लगता था बीजेपी हार नहीं सकती, भगवान ने दिखा दिया कि अगर चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव हार सकती है तो बीजेपी देश का चुनाव भी हार सकती है। भगवान ने पूरे देश को एक कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करी है कि हिम्मत मत हारो, खड़े हो, तुम लोग एक बहुत बड़े देश के निवासी हो, भारत के लोग एक बहुत बड़ी संस्कृति, हमारा कल्चर 3000-4000 साल पुराना है, डर के मत बैठो, खड़े हो, आप अपना कर्म करो, तुम लोग अपना कर्म करो, वोट डालने जाओ, आवाज उठाओ, प्रदर्शन करो, इनके खिलाफ खड़े हो, भगवान तुम्हारे साथ है। जैसे भगवान ने इनको बेनकाब किया चंडीगढ़ के चुनाव में, भगवान आने वाले समय में भी इनको बेनकाब करेगा और सत्य का साथ देगा। हताश होके मत बैठो, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है, ये पाप और पुण्य की लड़ाई है। अब आप लोगों को तय करना है कि आप धर्म के साथ हो कि आप अधर्म के साथ हो, आप पाप के साथ हो कि आप पुण्य के साथ हो। भारत माता की।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।